न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। लोकसभा 2019 के चुनाव हरियाणा में 12 मई को होंगे, जिसे लेकर प्रशासन ने तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज शाम 6 बजे के बाद जहां चुनावी शोर थम जाएगा, तो वहीं चुनावों को शांतिपूर्ण करवाने के उद्देश्य से शराब की बिक्री पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी जाएगी। आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव संपन्न होने तक जिला में शराब व अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री व इसके सेवन पर रोक रहेगी। इस अवधि को ड्राई पीरियड माना जाएगा। इसे लेकर प्रियंका यादव ने बताया कि आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 135 सी के तहत मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पहले किसी भी होटल, मधुशाला, ढाबे, सार्वजनिक स्थान अथवा निजी स्थान पर मादक व नशीले पदार्थों की बिक्री, परोसने और पीने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। यह अवधि चुनाव क्षेत्र में ड्राई डे के रूप में घोषित की जाती है। उन्होंने कहा कि किसी भी शराब के ठेके, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब तथा लाइसेंस सहित शराब बिक्री व परोसने का कार्य करने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर यह नियम लागू रहेगा। इस अवधि में व्यक्तिगत रूप से शराब के भंडारण पर भी कटौती का नियम लागू होगा। अधिकारी नियम के मुताबिक गैर लाइसेंसी स्थानों पर रखी गई शराब भंडारण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यादव ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2019 को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए जिला में आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। विभाग ये पूरा ध्यान रखेगा कि इस चुनाव के दौरान कोई भी अवैध शराब कहीं पे भी ना बिके। इसके लिए हमने 2-3 टीमें बनाई हैं जो जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसकी चेकिंग रखेंगे और जहां पे भी अवैध मिलती हुई मिलेगी उसको रोकने का प्रयास करेंगे। हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक 2 दिन तक सारे ठेके, सारे होटल वगैरह जहां पे भी शराब का सेवन किया जाता है या शराब बेची जाती है वो सारा बंद किया जाएगा। इसलिए 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक सभी ठेके जिले में बंद रहेंगे और इसके लिए हमने चेकिंग की ड्यूटीज लगाई हैं और 2-3 टीमें बनाई हैं। किसी तरह से खलल नहीं पड़ने दिया जाएगा, चुनाव में शांतिपूर्ण करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। अवैध शराब का कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी केस आता है तो हम उस पर पूरी कड़ी कार्रवाई करेंगे। जानकारी रखते हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त जहां से भी होती है हम उस पर पूरी कार्रवाई करते हैं।